बाकी सर अगर आप फिश मार्केट में जाते हो तो वहां पे इस तरह फिश कोई नहीं आपको मिलती, वहां पे आवाजें लगा रहे होते हैं ताजी मच्छी है यार। तो सुबह जो है ना मेरी नींद ही नहीं खुलती। अरे कहना क्या चाहते हो? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं जाने वाला हूँ सुपरमार्केट में, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं यहाँ पे सुपरमार्केट्स कैसी होती है और उनका पेमेंट प्रोसीजर कैसे होता है। तो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को और शेयर भी कर देना अगर दिल किया तो। तो अभी मैं आ चुका हूँ सुपरमार्केट के पास। तो आप देख रहे होंगे ये हमारी है सुपरमार्केट और अब हम एंटर होने वाले हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे कुछ इस तरह जो है वेजिटेबल्स वगैरह लगी होती हैं और जो देखो ये सारी वेजिटेबल्स हैं। Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive, just you and I, just you and I. वहाँ से हमने ये ली थी, ये टमाटर लिए थे। यहाँ पे हमने टमाटर मशीन पर रखने हैं और यहाँ से हमने वो नंबर चूज़ करना है जहाँ पे टमाटर थे। तो ये आप देख रहे हो ये आ गया है और यहाँ से हमने ओके करना है। अब ये हमारा यहाँ से जो है निकल आया है, इस पे लिखा है, इस पे आप देख रहे हैं ये लिखा है 2 यूरो 14 सेंट और ये 860 ग्राम जो है, ये 1 किलो से थोड़ा सा कम, ये हमारा जो है टमाटर हमने ले लिए हैं। The walls I built for myself right in my mind, and then you came over and you show me. यहाँ पे लगा हुआ है दूध और अब हमने लेना है दूध यहाँ से। और मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ ये वाला लाते ट्रेंटिनो। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है मगर ये अच्छा जो है ना दूध है। ये यहाँ पे अभी ऑफर में लगा हुआ है 1 यूरो और 19 सेंट का। ये 1 यूरो 19 सेंट पाकिस्तानी तो पता नहीं कितने बनते हैं मगर मैं मेंशन साथ कर दूंगा जब वीडियो एडिट करूंगा। तो ये एक जो लीटर का है ये 1 यूरो 19 सेंट का, मगर ये अच्छा दूध है। यहाँ पे ये सारा पास्ता वगैरह लगा हुआ है। ये भी टमाटर जो है ये मैश्ड हुए हुए हैं, इसका जो पेस्ट बनी हुई है ये टमाटर की। और ये ऑयल वगैरह पड़ा हुआ है, ये इनकी प्राइसेस लिखी हुई हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारे बॉक्सेस में ब्रेड्स वगैरह पड़ी हैं और उनकी प्राइसेस वगैरह लिखी हुई हैं। यहाँ से भी आप ब्रेड चूज़ करोगे, फिर उसका ये जो कोड्स वगैरह लिखे हुए हैं ये नंबर लिखोगे और यहाँ पे जाके आपको वो नंबर चूज़ करना है और कितनी आपने ब्रेड्स ली हैं वो ब्रेड्स के नंबर आपने लिखने हैं। आपने अगर 2 लिए तो 2 लिखने हैं, 3 लिए तो 3 लिखने हैं, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से आपकी जो प्राइस वगैरह है वो निकल आएगी। यहाँ पे जितनी भी फिश वगैरह हैं वो सारी पड़ी हुई हैं। ये सारा चिकन वगैरह पड़ा हुआ है। तो अगर तो आप मुस्लिम हो तो आप यहाँ से चिकन वगैरह तो नहीं ले सकते, मगर आप अगर किसी और रिलीजन से हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफर्स वगैरह लगती हैं, तो आप वहाँ से चिकन ले सकते हो अपने लिए। Fire around you, turn it all around.
पे सारी कॉफीज वगैरह लगी हुई हैं, और ये अभी मैंने जो काफी उठाई है ये कैपुचिनो है और मेरी फेवरेट, तो ये इसके बगैर तो सुबह जो है ना मेरी नींद ही नहीं खुलती। जैसे पाकिस्तान में लोग चाय 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 चाय, लेकिन पंजाबी के आने में चा 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 चा, वैसे यहाँ पे मेरी कॉफी के बगैर तो सुबह नींद ही नहीं खुलती ना। जी अपने फेवरेट चॉकलेट्स वगैरह वाले बिस्किट, और ये हमारी जैम्स वगैरह, और ये अपना फेवरेट तरीन नुतेला। मगर अभी मेरे घर में नुतेला है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो अभी हम नहीं लेंगे। अब यहाँ पे शुरू हो जाती हैं सारी सॉसेस वगैरह, यहाँ पे आप देख रहे हो मायोनेज, केचप और भी जो किस्म की सॉसेस वगैरह वो यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे ये सारी फिश है जो आप सैलड पे या पास्ते वगैरह पे यूज़ करते हो, तो अभी ये हम भी फिश ले लेते हैं दो, एक बैकअप के लिए और एक हमारे अपने खाने के लिए, क्योंकि अक्सर घर में ऐसा होता है कि जब आप जॉब से आते हो तो कोई भी चीज़ नहीं होती, तो फिर आपका ये होता है कि अगर आपके पास बैकअप है तो आप कोई भी रात को जब जल्दी से चीज़ बनानी है तो आपके पास अगर कोई चीज़ पड़ी हो तो आप जल्दी से बना के खा सकते हो। यहाँ पे ये सारी देखें, ये पेस्ट वगैरह बनी हुई है, ये सारी पास्ता के लिए यूज़ होती है। अगर आप जल्दी से पास्ता बनाना चाहते हो तो आपको सिर्फ चावलों की तरह पास्ता उबालना है और यहाँ ये वाली पेस्ट उसमें डालो तो जो आपका पास्ता है वो तैयार हो जाता है। तो जी ये है हमारी बियर, और अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आपको नहीं ये पीनी, इससे दूर रहना। यहाँ पे हमारे आगे ब्रियोश बारिश भर लेते हैं। कौन से वाले हमने लेने हैं, तो इस बार लेते हैं ये वाले क्रीम वाले, ये जो इसके ऊपर क्रेमा पास्ती चेहरा है ना, ये मुझे येलो वाली क्रीम बनानी आती है बहुत अच्छी तरह। एक ये वाला ले लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास छोटा सा बैग है जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मेरे शोल्डर पे, तो इस पर सारी चीज़ें डालनी है, तो जो इसमें आ सकती हैं वो ही डालनी है चीज़ें। और फिर यहाँ पे आ गई पाकिस्तान के बच्चों की फेवरेट चॉकलेट्स। हमारे घर में भी एक छोटा सा है नदीम, तो नदीम आपके लिए अन करीब ये वाली सारी चॉकलेट्स आने वाली हैं, तो आप वीडियो देखो और चूज़ करो और फिर मुझे बताओ, जल्दी करो। अभी जल्दी से हम उठा लेते हैं मेरे वाली चॉकलेट, तो ये है जी मेरी पसंदीदा चॉकलेट, तो इसे खाते हैं, और ये रात को अगर हमें दाव मिले तो हमें तो नींद ही नहीं आती। ताज़ी मच्छी है। पाकिस्तान अगर आप फिश मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे इस तरह फिश कोई नहीं आपको मिलती, वहाँ पे आवाज़ें लगा रहे होते हैं ताज़ी मच्छी है। भाई ये है कोल्ड सैंडविच, और अगर आपको ये सीखने हैं तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं पूरी वीडियो बना के आपको सिखाऊंगा। मुझे ये बनाने आते हैं और इससे अच्छे बनाने आते हैं, और अगर आपको नहीं पता तो इस ब्रेड का जो हाफ पीस है ना, वो अगर आपके पास बार है या कोई आपकी अपनी शॉप है तो वहाँ पे आप बेचोगे तो 2 से 2.5 यूरो का एक पीस बिकता है, तो आप सोच लो आप कितने पैसे कमा सकते हो इससे। तो अगर आपको सीखा है तो कमेंट में मुझे बताओ, मैं आपको पूरी वीडियो बना के सिखाऊंगा। तो जो हमने छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी वो तो हमने तकरीबन ले ली हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये बॉटल्स वगैरह लगी हुई हैं, पानी वगैरह है, तो मैं तो ज़्यादा पेप्सी से दूर ही रहता हूँ, हमें प्यार है मॉन्स्टर से, मगर मॉन्स्टर अभी मेरे घर में है। मैंने अगले दिन पूरा जो होता है ना 12 पीसेस वाला, वो क्या उसे कहते हैं, एक पूरा पैक जो होता है वो मैं लेके गया था, तो अभी वो बकाया है। तो अभी पीने के लिए जो गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो अभी पीने के लिए कुछ लेते हैं यहाँ से, तो चलो कोका नहीं, पानी देखते हैं, पानी भी नहीं है, तो हम लेते हैं ये तय, ये गर्मी में बहुत अच्छी होती है, ये आड़ू की बनी होती है और ये बहुत अच्छी होती है गर्मियों में।
तो अभी हमारी शॉपिंग तकरीबन हो चुकी है, तो अभी हम चलते हैं काउंटर पे और वहां पे चल के पेमेंट करते हैं। Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind and then you came over. तो अभी हमारी शॉपिंग हो गया कंप्लीट और ये है हमारी प्राइस तकरीबन 36 यूरो की जो है हमने शॉपिंग की है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Just you and I, just you and I.